प्रिय दर्शकों नमस्कार, ज्योतिषी के कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं एचएस रावत। आज हम बताएंगे आपको क्या अगर आपकी मकर लग्न की कुंडली है, यानी आपकी जो लगन है वो 11 नंबर की है और आपकी लगन के अंदर ही सूर्य चंद्र और राहु बैठे हुए हैं, तो आपकी जिंदगी का भविष्य क्या है? अगर आपके सूर्य की मादशा चलती है तो क्या रिजल्ट होगा? सूर्य एक राजा है और ये आग का गोला भी है। जिस भाव में बैठेगा उस भाव का नुकसान कर देगा, लेकिन ये शत्रु भाव में बैठने से ज्यादा नुकसान करता है। अपने घर में बैठने से या उच्च होने से या मित्र के घर में बैठने से इतना नुकसान नहीं कर पाएगा। चंद्रमा रानी का स्वरूप है। चंद्रमा मनसो जातः, ये मन का कारक भी है, आंखों का कारक भी है। अगर चंद्रमा पीड़ित होता है तो मन पीड़ित होता है, और मन पीड़ित होता है तो पांचों इंद्रिय पीड़ित होती हैं। जिसका मन अगर कमजोर हो जाए तो उसकी सोच, बुद्धि, बोलना, चालना, सुनना, खाना पीना, ये सब डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी नींद भी खराब हो जाती है। और राहु ग्रहण का कारक है, ये छाया ग्रह है, ये जिस ग्रह के साथ भी लगेगा उस ग्रह को अपनी ग्रास में कर लेता है, ग्रहण में कर लेता है, उसको खाने की कोशिश करता है। आपकी मकर लग्न की कुंडली है, यहां पर विवाह की जिम्मेवारी सूर्य के पास है और शत्रु के घर में बैठा है। पत्नी के साथ कभी जिंदगी में तालमेल नहीं बैठेगा या पति के साथ तालमेल नहीं बैठेगा, मकर लग्न में ये प्रॉब्लम्स बनी रहेगी, एक दूसरे के शत्रु बने रहेंगे। इसमें घी का काम करेगा राहु, डिवोर्स हो जाएगा। इस तलाक को रोकने के लिए सूर्य और राहु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। चंद्रमा भी यहां रोग का स्वामी होकर के बैठा हुआ है, तो कुंडली के अंदर मकर लग्न में सूर्य और राहु की युति बहुत गंदी हो जाती है। अगर आपकी जिंदगी में वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस चल रही है तो आप इस मंत्रों का जाप कराइए, इन ग्रहों की पूजा कराइए। शादी नहीं हो पा रही है तो इसकी पूजा करा लीजिएगा। या आपके हर काम में अड़चन आती है, मान सम्मान में अड़चन आती है, आपका काम इतना ऊपर हो जाता है फिर आपको टिकट नहीं मिलती, आप फिर ऊपर उठते हैं फिर आपका बिजनेस डूब जाता है, थोड़ा बिजनेस चलता है फिर डूब जाता है, तो उस कंडीशन में इन ग्रहों की शांति करा लें। घर का वास्तु दोष एक बार ठीक करा लें तो लाभ मिलेगा। जितना ग्रहों का प्रभाव कुंडली के अंदर होता है, जितना ग्रहों का प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर होता है, उतना ही वास्तु का प्रभाव भी हमारे शरीर के ऊपर होता है। अगर आपके ग्रह बिल्कुल ठीक चल रहे हैं और घर में वास्तु दोष बना हुआ है, घर में ऊर्जा ठीक नहीं है, घर में लगातार टेंशन होती है, घर में घुसते ही झगड़ा होता है, घर में पैसा नहीं बचता है, तो वास्तु दोष का कारण हो सकता है। इसलिए वास्तु और ज्योतिष ये दो की प्रैक्टिस में करता हूं, बाकी अंधविश्वास फैलाने वाला कोई काम नहीं करता। हस्तरेखा भी देख करके मैं बता सकता हूं, हस्तरेखा मैं पढ़ाता भी हूं, हस्तरेखा लेकिन देखता नहीं। इसके अंदर कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिन पर साइकोलॉजी लेनी पड़ती है। वास्तु एक पूर्ण विज्ञान है, आर्किटेक्चरल विज्ञान है और ज्योतिष भी एक पूर्ण विज्ञान है जिसमें आदिम के बारे में सारा कुछ पता चलता है। पूजा पाठ से ये ठीक हो सकता है। घर को चेक कराएं, ऑफिस को चेक कराएं, फैक्ट्री को चेक कराएं, व्यवसाय सेंटर जो है आपका उसको चेक करा लीजिएगा। उससे आपको कहां सोना चाहिए, आपके बच्चों को कहां पढ़ना चाहिए, आपके पति को कहां सोना चाहिए, घर के बुजुर्गों को कहां सोना चाहिए, टॉयलेट कहां पर होना चाहिए, ये सब चीजें आप प्रॉपर ढंग से करेंगे तो आपके घर में संतान की वृद्धि भी होगी, धन की वृद्धि भी होगी और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। सूर्य चंद्र राहु यहां पर दूसरे भाव में बैठे हुए हैं तो ये बृहस्पति का घर है। सूर्य चंद्रमा के लिए तो मित्र भाव हो जाता है लेकिन राहु के लिए अच्छा नहीं होता, फिर भी परिवार से अलग रहने का योग तो बनेगा। प्रिय दर्शकों, आप सबके लिए खुशखबरी, मैं 1 से 17 जून दिल्ली, 18 आगरा, 19 झांसी, 20 जबलपुर, 21 बिलासपुर, 22 रायपुर, 23, 24, 25, 26 मुंबई, 27 इंदौर, 28 नोएडा, 29 अमृतसर, 30 जून को चंडीगढ़ में रहूंगा। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं
कुंडली बनवाना चाहते हैं या वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं या अच्छी क्वालिटी के नग लेना चाहते हैं तो आप मुझे निम्न टेलीफोन पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर है 09212960090 09811006314। सूर्य चंद्र राहु यहां पर दूसरे भाव में बैठे हुए हैं तो ये बृहस्पति का घर है। सूर्य चंद्रमा के लिए तो मित्र भाव हो जाता है लेकिन राहु के लिए अच्छा नहीं होता। फिर भी परिवार से अलग रहने का योग तो बनेगा। परिवार के साथ रहने के लिए धन की वृद्धि हो उसके लिए आप एक पुखराज धारण करिएगा। यहां गुरु मार्केश नहीं होता क्योंकि राशि का स्वामी बन जाएगा और दूसरा भाव और एकादश भाव गुरु के पास आते हैं तो धन वृद्धि और लाभ की वृद्धि बहुत अच्छी रहेगी आपके पास में। कई लोग बोल देते हैं कि गुरु यहां पर मार्केश है, गुरु मार देगा। कभी भी कोई सदाचारी व्यक्ति, कोई गुरु कभी किसी को मारता नहीं है। उनको देश की चिंता रहती है, उनको पब्लिक की चिंता रहती है, उनको जहां देश में गड़बड़ हो रही है उसकी चिंता रहती है। अभी आप लेटेस्ट देखिए कि अन्ना हजारे हैं, बाबा रामदेव हैं, अब ये एक गुरु का दर्जा प्राप्त है इन लोगों के पास में। जैसे बाबा रामदेव हैं वैसे अन्ना हजारे भी हैं, दोनों ही सन्यासी जीवन के व्यक्ति हैं और दोनों ही देश के लिए फाइट कर रहे हैं। जबकि उनके कोई बच्चे नहीं है, उनको देश के साथ लगाव है, उनकी आत्मा को तकलीफ होती है, उनको पीड़ा है इस बात की कि देश की जो करोड़ों रुपया अरबों रुपया जो देश का है वो बाहर क्यों पड़ा हुआ है, क्यों ना उस देश को यूज किया जाए। आखिर ये खाया तो कहीं ना कहीं यहाँ देश के नेताओं ने ही है ना, कहीं ना कहीं हमारे भारत माता के साथ ही तो रेप किया गया है, उसी का पैसा निकाल निकाल करके बाहर किया गया है। तो ये उनकी एक पीड़ा है और ये आम आदमी की भी पीड़ा हो सकती है जो देशभक्त है, जिनको देश के प्रति लगाव है। तो ऐसे आंदोलन में लोगों को साथ देना भी चाहिए। दर्शकों यहां पर ये तीनों ग्रह बैठे हैं या तीनों ग्रह इधर बैठे हैं तो यहां माणिक नगा पहन सकते हैं, वैवाहिक जीवन थोड़ा बचाव में रहेगा, लाभ मिलेगा। और अगर इधर बैठे हैं यहां तो मां के स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए आप सूर्य और राहु की पूजा करा सकते हैं। दर्शकों आप कोई अपना घर ले रहे हैं तो वास्तु जरूर चेक कराएं, आपके बच्चों की कुंडली जरूर चेक कराइए जिससे उसका ब्राइट फ्यूचर के बारे में पता चल जाए। शादी नहीं हो रही तो पूजा के लिए संपर्क कर सकते हैं। अभी समय आपसे याद लेने का, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए प्रिय दर्शकों आप सबके लिए खुशखबरी, मैं 1 से 17 जून दिल्ली, 18 आगरा, 19 झांसी, 20 जबलपुर, 21 बिलासपुर, 22 रायपुर, 23 24 25 26 मुंबई, 27 इंदौर, 28 नोएडा, 29 अमृतसर, 30 जून को चंडीगढ़ में रहूंगा। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं या वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं या अच्छी क्वालिटी के नग लेना चाहते हैं तो आप मुझे निम्न टेलीफोन पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर है 09212960090 09811006314। प्रिय दर्शकों अगर आप डॉक्टर HS रावत जी द्वारा लिखित 10 पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो 10 किताबों का मूल्य 2100 रुपए और फलित ज्योतिष की 22 सीडीज का मूल्य 3100 रुपए VPP, DD, मनी ऑर्डर या हमारे SBI बैंक अकाउंट नंबर 3034024646466 में जमा करा के मंगवा सकते हैं। दर्शकों अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, 3100 रुपए घर का नक्शा व वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 9212960090। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विले पार्ले वेस्ट, मुंबई 56। फोन नंबर 02226707930, मोबाइल नंबर 9820114249।